हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, मैं आपके सामने फिर से आई हूँ विलियम शेक्सपियर का आगे की सीरीज़ लेकर के। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आगे की सीरीज़ है, फर्स्ट 15 मैंने डाला था, फिर 15 टू 30, 35 एंड 36 से मैं लेकर के आई हूँ आगे के क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विलियम शेक्सपियर से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही ज़रूरी ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, और कुछ PYQs भी हैं एंड कुछ अदर क्वेश्चंस भी हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। और ये आपके TJT के एंड PJT दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर। ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट। हैमलेट आपने पढ़ा होगा, मैंने समरी डाली थी इसकी हैमलेट की, तो ये लाइनें किसने बोली थी। समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कुछ तो है डेनमार्क में रॉटन, मतलब कुछ गड़बड़, कुछ अजीब सा, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा मार्सिलस ने कहा था। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो किस तरह के लिटरेरी फॉर्म से बिलोंग करता है, मतलब इसको क्या कहा जा सकता है, कॉमेडी, रोमांस, हिस्ट्री प्ले या ट्रेजिक कॉमेडी। तो इसको आप ट्रेजिक कॉमेडी कह सकते हैं, कुछ ट्रेजेडीज़ भी है, कुछ कॉमेडीज़ भी है, दोनों का मिक्सअप है, तो इसलिए इसको ट्रेजिक कॉमेडी कहा जा सकता है। ओके, और इट इज़ अ क्लासिफाइड एज अ कॉमेडी इन द फर्स्ट फोलियो, पहले फोलियो में जो है कॉमेडी की तरह क्लासिफाई किया गया, एंड ऑल दो इट इज़ नोन एज ट्रेजिक कॉमेडी। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। तो जो डोमिनेंट थीम है शेक्सपियर की फेमस जो प्ले है किंग लियर का, उसकी डोमिनेंट थीम क्या हो सकती है, क्या कह सकते हैं इसमें। आपने देखा होगा इसमें जेलेसी भी देखी होगी, रिवेंज भी देखा होगा, एम्बिशन भी देखा, बट इसमें जो है आंसर मैंने पहले लिखा है फिलियल इनग्रेटिट्यूड। ओके, फिलियल इनग्रेटिट्यूड कहते हैं, जो फिलियल मतलब होता है बेटे से रिलेटेड होता है। ओके, पुत्र संबंधी, तो जो बेटे से रिलेटेड जो कृतज्ञता होती है वो चीज़ इसमें देखने को मिली है। ओके, सो योर आंसर इज़ फिलियल इनग्रेटिट्यूड। ये आपका UPTJT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, मच एडो अबाउट नथिंग। कौन सा ऐसा जो इनका प्ले प्ले है जो इनके लास्ट करियर के फेज से रिलेटेड नहीं है, बिलोंग नहीं करता है। तो आपका है मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग इज़ अ कॉमेडी जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। दिस कॉमेडी डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स करियर, क्योंकि ये जो 1598 से 1599 में लिखा गया है और ये इनकी सेकेंड फेज ऑफ लाइफ है, नॉट लास्ट फेज ऑफ लाइफ। ओके, सो विच शेक्सपियरियन प्ले इज़ इन द थ्री पार्ट्स। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो थ्री पार्ट में है। बहुत सारे इनके जो हैं फाइव पार्ट फाइव एक्ट में हैं, बट ये जो है ये इनका थ्री पार्ट प्ले है। तो ये आपका है हेनरी VI। हेनरी VI इज़ अ हैज़ थ्री पार्ट। दिस प्ले इज़ रिटन बाई शेक्सपियर। हेनरी VI जो है वो पार्ट 1 एंड हेनरी VI का पार्ट 2, हेनरी VI पार्ट 3 है, बस इतने ही पार्ट हैं इनके, और ये हिस्ट्री प्ले है इनका, इतना आपके लिए ज़रूरी है जानना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाई। 1601 में जो है कलेक्शन आई थी सोनेट्स की, शेक्सपियर के सोनेट की, वो किसके द्वारा प्रिंट की गई थी। तो थॉमस थॉर्पी के द्वारा। ये भी मैंने शायद करवाया अपने वीडियो में, आप देखेंगे शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने डाले उसको आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी आए हुए एग्जाम्स हैं, PYQs भी हैं, तो उसमें आपको ज़रूर मिल जाएंगे। सो थॉमस थॉर्पी प्रिंटेड अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट इन 1609। 1609 में जो है ये कलेक्शन आया था। एंड विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन, आप जानते हैं, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे, 37 प्लेस लिखे थे पूरे के पूरे। तो थॉमस थॉर्पी ने इसको प्रिंट किया था। वॉट वॉज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टेटफोर्ड। स्टेटफोर्ड में इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये भी मैंने बताया आपको, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वो किस नाम से है। तो देखिए अभी थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, न्यू पैलेस होगा एक्चुअली यहाँ पे। ओके, न्यू पैलेस, न्यू प्लेस, PLACE एक्स्ट्रा हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। न्यू प्लेस नाम से इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। ओके, इनका जो घर था वहाँ पर उसको न्यू प्लेस कहा गया, स्टेट फूड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद
द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे। ओके, तो ये आपका है लव सिलेबस लॉस्ट। लव सिलेबस लॉस्ट इज द कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर, यू नो, इन हिज अर्ली एज ऑफ हिज ड्रामेटिक करियर। जो अपने ड्रामेटिक करियर का अर्ली एज था उसमें इन्होंने लिखा था। दिस प्ले इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे। एंड डेस्डिमोना बहुत ही फेमस कैरेक्टर है शेक्सपियर का। तो डेस्डिमोना फेमस कैरेक्टर, शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच प्ले। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ गया, देखिए यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है TCT 2016 में। ओथेलो, ओथेलो की बिलवेड थी ना डेस्डिमोना। तो कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, कैरेक्टर आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये भी मैंने ओथेलो भी प्ले मैंने वीडियो में डाला है अपने, इसकी समरी एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइस बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फ्यूरी, इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सिग्निफाइंग नथिंग। ओके, अ फोर सेट लाइन्स, ये मतलब क्या कहते हैं, फोर सेट कहते हैं आपके जो पूर्व कथित चीज़ें होती हैं उसको फोर सेट कहा जाता है। तो ये जो है पहले से कही गई लाइनें हैं मैकबेथ के द्वारा। ओके, अकर्ड बाय मैकबेथ, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। जीवन क्या है, एक चलती हुई वॉकिंग शेडो है, छाया है, और ये एक इडियट के द्वारा सुनाई गई कहानी है जो कि साउंड एंड फ्यूरी, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, एक ध्वनि और जो रोष होता है फ्यूरी उसके संकेतों से, सिग्निफाइंग नथिंग, और कुछ नहीं उसी संकेतों से भरी हुई है। तो ये जो फोर स्टेड लाइन्स हैं यानी कि पूर्व कथित, पूर्व पहले से कही गई जो लाइनें हैं वो किसके द्वारा कही गई हैं, मैकबेथ के द्वारा कही गई, और Act 5 Scene 5 में कही कहा है इसने। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, जो Act 5, एक्ट भी पूछ लेता, सीन भी पूछ लेता कभी कभी। ओके, मैकबेथ का ही है Act 5 Scene 5 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर्स लव सिलेबस लॉस्ट जो है, विलियम शेक्सपियर की जो लव सिलेबस लॉस्ट है वो आपकी वॉज अ फ्री एडप्टेशन ऑफ, ये किस कहाँ से लिया गया है, ये मिनाक्मी ऑफ प्लॉटस। ओके, मिनाक्मी एंड ऑफ प्लॉटस जो है वहाँ से लिया गया, विलियम शेक्सपियर का जो लव सिलेबस लॉस्ट है फ्री एडप्टेशन है। मिनाक्मी इज़ अ लैटिन लैंग्वेज, ये एक लैटिन लैंग्वेज है। ओके, प्ले इज़ ऑफन कंसिडर्ड प्लॉटस ग्रेटेस्ट प्ले, जो कि अक्सर जो है वो कंसिडर करता है प्लॉटस के ग्रेटेस्ट प्ले को। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो। ओके, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विदाउट फीदर्स, मतलब कहते हैं कल का जो नवाब कौआ वो हमारे पंखों से वो ब्यूटिफाइड होता है, सुशोभित होता है, ऐसा शेक्सपियर के बारे में कहा गया है। तो किसने कहा, हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ये रॉबर्ट, और किसी ने नहीं बल्कि रॉबर्ट ग्रीन ने इनको कहा था एन अप स्टार्ट क्रो। ऐसे ही एक फ्रेजी करके आ जाएगा एन अप स्टार्ट क्रो, पूरी लाइनें कभी कभी नहीं देता है तो एक छोटा सा फ्रेजी दे देगा, पूछेगा कि किसने कहा सुंदर शेक्सपियर के बारे में। तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, रॉबर्ट ग्रीन, ब्रेन जॉनसन, बेन जॉनसन, इनके जो हैं क्रिटिकल कमेंट्स बहुत आते हैं एग्जाम में। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। ओके, प्रोविंशियल जो होती है, जो प्रोविंशियल मतलब जानते होंगे स्थानीय, जो प्रांतीय लाइफ होती है वो इनकी किस प्ले में दिखाया गया है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ जो है वो इन्होंने किस प्ले में दिखाया है। तो ये है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, दिस प्ले इज़ द कॉमेडी, फर्स्ट पब्लिश इन 1602, पहले सबसे पहले ये 1602 में पब्लिश हुआ था। और जो सर जॉन फॉलस्टॉफ हैं वो हीरो हैं इस प्ले के, और जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं जो इसके वो बिलोंग करते हैं प्रोविंशियल लाइफ से, जैसे कि बार्डोल्फ है, पिस्टल है, विलियम पेज है, मिस्टर्स क्विकली, डॉक्टर कैसियस, जस्टिस शैलो, मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसको देख लीजिएगा, पढ़िएगा तो बहुत अच्छा प्ले है। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोजालिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज यू लाइक इट में जो रोजालिंड ने डिस्गाइज किया था अपना भेष बदला था वो किस नाम से बदला था, तो वो था गैनीमेड, गैनीमेड नाम इन्होंने चेंज, अपना जो रूपांतरित नेम रखा था वो गैनीमेड रखा था। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये आता रहता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसको देखिएगा आप जो है। ये भी देखिए, भी मैंने बताया ना कि मेन जॉनसन एंड रॉबर्ट ग्रीनी, इन्होंने बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट दिए शेक्सपियर को लेकर के, तो ये इनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु सेड अबाउट,
शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में किसने कहा कि ये इनको जो है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक की नॉलेज थी? तो ये बेन जॉनसन ने कहा था। ओके, योर लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस वीडियो। इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पिरो इज द ड्यूक ऑफ, जो प्ले है इनका टेम्पेस्ट, जो प्ले है इनका, वो उसमें जो प्रॉस्पिरो वो कहाँ का ड्यूक है? तो वो ड्यूक है मिलान का। ओके, और दिस प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1611 एंड 12 के बीच में परफॉर्म हुआ था, एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन 1623, इनके फर्स्ट फोलियो में प्रिंट हुआ था ये। और जो प्रॉस्पिरो है वो क्या है? वो ड्यूक ऑफ मिलान है। तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके आगे की सीरीज़ में लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। ओके, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चंस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक एंड शेयर भी करिएगा, जिससे और लोगों को भी पता चले। एंड बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आने वाला वीडियो मेरा कब आएगा, आने वाला है। और मैं इसी तरीके से रिवीजन करवाती रहूँगी। अभी तो मुझे बहुत सारे मिल्टन के क्वेश्चंस, मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ एंड गॉल्सवर्दी का भी करवाना है। जैसे कि आप जानते हैं मैं केवल TGT का रिवीज़न करवा रही हूँ, बट मिल्टन PGT में नहीं आते हैं, मिल्टन PGT के सिलेबस में नहीं है। तो शेक्सपियर एंड आपके जो वर्ड्सवर्थ हैं वो तो हैं PGT में, तो उनसे जो भी क्वेश्चन होगा वो आप PGT के लिए देख सकते हैं। PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पसंद आता है तो। और मैं आपका सारा का सारा रिवीजन करवाऊंगी वन बाय वन करके, तो इसके आगे की सीरीज़ के लिए वेट करिएगा। जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।